सेवेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न फाइंड द एचसीएफ। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिवीजन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग खाली ये 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन देखेंगे, राइट। एचसीएफ निकालना है, फर्स्ट टू लेकर 10 तक का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग को एचसीएफ निकालने को बोला। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का एंड देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसमें सबसे पहले 24 और 40 का एचसीएफ निकालना। पहले 25 के सारे फैक्टर्स लिखो। 25 के फैक्टर्स के लिए पहले हम लोग को ऐसा डिवीजन लेना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 25 के फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 × 5। नेक्स्ट इज 40 के भी निकालेंगे। 40 के निकालेंगे डायरेक्ट 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 40 क्या आएगा? 5 2 2 2 5, करेक्ट। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 और 5 जो है कॉमन है, तो यहाँ पे लिखने का 5 फॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 5। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 और 27 है, करेक्ट। 16 के पहले फैक्टर्स निकलते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो लिखने का फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। अब 27 का लिखते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3। कुछ कॉमन है? नहीं, कॉमन फैक्टर कहीं भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 कॉमन फैक्टर होता है, 1 तो सब में आता है। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ और 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड और 8, तो वो थर्ड है 40 60 70। तो 40 का पहले हम लोग क्या करते हैं? सब फैक्टर्स निकलते हैं, राइट। 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 5। नेक्स्ट 60 का निकलते हैं। तो इसे समझ में, 2 × 2 × 2 × 5, 60 का 2 30 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5, फैक्टर्स ऑफ 75 निकालेंगे। 75 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 से जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, आंसर आएगा 3 × 5 × 5। अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इसमें खाली 5 जो है एक नंबर कॉमन है, जो कि 5, 5 इज़ द कॉमन। तो लिखने का कॉमन फैक्टर
is equal to 5, therefore HCF is equal to 5. Is this clear? एक क्वेश्चन और कराता हूँ. 57, 75, 102 पहले 57 का निकालेंगे. 57 तो 57 3 से जाएगा. 3 1 3 3 9 27 19 1 19 मतलब फैक्टर्स ऑफ 57 इज इक्वल टू 3 into 19. नेक्स्ट 75 का इसके पहले हम लोगों ने निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सामने दिख रहा है 3 25 5 5 is 10. ये लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल टू 3 into 5 into 5 फैक्टर्स ऑफ 102 फैक्टर्स ऑफ 102 का निकाल लेते हैं. 2 5 are 10 2 1 are 2 राइट. 3 1 are 3 3 7 are 21 17 1 are 17 मतलब 2 into 3 into 17. अब इसमें कॉमन क्या लग रहा है? 3 3 3 कॉमन है. लिखने का कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 HCF is equal to 3. Is this clear? This way you have to solve the question. तो ये टोटल आप लोग को 10 questions as a homework solve करना है. लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगा इसका आंसर. ठीक है? नहीं फिर भी 10 के 10 क्वेश्चन ट्राई करो एज अ होमवर्क फॉर टुडे. फॉर टुडेज होमवर्क प्रैक्टिस सेट 12 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. Have a great day. After completing your homework, send your completed homework in WhatsApp group. Okay? Thank you.